सर भाई हर चीज़ कोई मकसद के लिए नहीं होती है। एक जहन में ख्याल था कि भाई अपने देश में अपने वतन में इतना कुछ है, लेकिन उनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिल पाता है। मैं नहीं बोलता कि प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबको वो रीच नहीं है प्रॉपर। तो ऐसे ही हम ऐसे ही वन फाइन डे बैठे थे आज के कुछ 7 साल पहले, तो सोचा भाई क्यों नहीं कुछ नया किया जाए। इस तरीके से इन अवार्ड शोज़ का निर्माण हुआ। आपने कहा शूरवीर अवार्ड्स, यस द शूरवीर अवार्ड्स, आज वो 5वां एडिशन था। हर एडिशन में हर साल हम 15 से 16 उन सितारों को ढूंढते हैं पैन इंडिया, जिनके ऊपर हम कुछ बना पाते हैं एवीज, और उनके बारे में जहां को बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं देश के लिए, इट गोज़ अननोटिस्ड। दिस वॉज अ थॉट बिहाइंड द शूरवीर अवार्ड। एज आई सेड, इट्स एन अवार्ड शो फॉर अ कॉमन मैन हु हैज डन समथिंग अनकॉमन बट हैज गॉन अननोटिस्ड। वी टॉक अबाउट भारत प्रेरणा अवार्ड्स। भारत प्रेरणा अवार्ड्स इज एन अवार्ड शो फॉर द स्पेशली एबल्ड। आप उन लोग उनको फिजिकली चैलेंज बोलते हैं, वॉट नॉट, लेकिन टीम एम्पल मिशन ने एक नया थॉट दिया कि उनको नाम दिया जाए द लिमिटेड एडिशन ऑफ द यूनिवर्स। And that's how we cultivated, we created this show. उसका आज 3रा एडिशन था। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम इस चीज़ को अंजाम दे पा रहे हैं। आप भाइयों का सहयोग है कि वो आवाम तक आपके ज़रिए पहुंचता है, नहीं तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बिल्कुल अटूट सच है मेरा। सोहेल भाई, मैंने कहा एक अकेला आदमी कोई जंग नहीं लड़ सकता है, इट इज़ अ टीम वर्क। दिस यंग बबली टीम ऑफ एम्बल मिशन इज डूइंग वंडरफुल जॉब, दैट्स फॉर श्योर। आपने कहा फैमिली, आप ये मान के चलो अनिल मुरारका अगर कुछ कर पा रहा है तो बिना फैमिली के सपोर्ट के कभी नहीं हो सकता। देर आर मोमेंट्स जब मेरी बीवी या मेरा बच्चा मेरे को लिटरली गाली देते हैं कि यार तुम फैमिली को टाइम कब दोगे। आप यकीन मानो, मैं ये मानता हूँ हम सबको जो 100% ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं उसको 4 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। 25% बिजनेस, 25% सोशल, 25% फैमिली और 25% अपने खुद के लिए। जो खुद का है ना, मैंने जो जिक्र किया वो आखिरी में ही आता है, क्योंकि जहां कोई चीज़ कमी छूट जाती है फैमिली के लिए, तो जो मैं अपनी ज़िंदगी 25% जीना चाहता हूं उसमें से वहां कुछ बैलेंस करना पड़ता है। तो आई एम थैंकफुल फॉर श्योर टू माई पेरेंट्स, टू माई फैमिली, कि मुझे वो बेयर कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। विदाउट देयर सपोर्ट, ट्रस्ट मी, आई एम एब्सोल्युटली अ बिग जीरो। ग्रेट फीलिंग। मुझे याद आता है जब मैंने बिजनेस में कदम रखा था, सीख रहा था, मैं आई वॉज टेकिंग दोज बेबी स्टेप्स। वन फाइन डे माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी कि बेटा जिस दिन तुम्हारे फादर को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और सिद्धांत उस राह पे चल रहा है आज। मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि वो मैं शायद मुझे एक सेंचुरी लग गई वो चीज़ हासिल करने में, लेकिन सिद्धांत ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुका है आज। भाई मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, साधारण आदमी हूँ, आप लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग वेयरिंग और व्हाट यू आर टेकिंग फॉरवर्ड, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग फॉर सोसाइटी। दैट्स बेसिकली दैट थॉट विच टेक्स द फैमिली फॉरवर्ड। क्या मिट्टी होने वाली बात है, मैंने कभी ये कैमरे के सामने कभी डिस्कस नहीं किया। डेफिनेटली हम कुछ करते हैं, क्योंकि एक उनको यहाँ पे सम्मानित कर दिया उससे कोई कारवा ख़त्म नहीं होता है। द ड्यूटी इज़ वेरी क्लियर,
कि उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें और पूरी कोशिश करते हैं उसको अंजाम दें। सर कितना मुश्किल है ऐसे शूरवीरों को देश के अलग अलग कोने से ढूंढ के लाना? जितना मुश्किल आप लोगों को था मुझे यहाँ बैठाना, उतना ही मुश्किल इन हीरोज़ को, इन रियल हीरोज़ को, दे आर नॉट दोस रियल हीरोज़, इन रियल हीरोज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। अपने आप में एक बड़ा टास्क है, ऊपर वाले का साथ है कि अंजाम आयो हो जाता है। धरती पे ऐसे कितने हैं आज, उनको वो सहानुभूति नहीं चाहिए अपने से, उनको उस मुकाम तक पहुंचाने की हम कोशिश करें कि वो अपनी ज़िंदगी खुद आगे बढ़ा सकें, खुद जी सकें। भैया मैं तो सोहेल भाई की वजह से ही आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू सोहेल भाई। आज वो आप मेरे साथ मेरे दोस्त यार खड़े हैं, वो भी उनकी बदौलत खड़े हैं। आई एम रियली इंडेप्टेड टू देम सोहेल भाई, मैं कहता आया हूँ आवाम अनिल मुरारका की बात नहीं सुनेगी, लेकिन जब एक बॉलीवुड का फनकार कुछ अपील करता है इट हिट्स द मासेस, दैट्स व्हाई आई एम इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ देम दे हैव कम फॉरवर्ड फॉर सच कॉजेस। इस कंपनी का नाम है एम्पल मिशन, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, सोच ये है कि देश में तकलीफें ही बहुत हैं। मैं नहीं बोलता कि भाई हम एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, वी हैव ट्राइड टू वर्क टूवर्ड्स डिफरेंट मल्टीपल थॉट्स और वही चीज़ आगे भी लेके बढ़ते रहेंगे। वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू वन कॉज, वट एवर कम्स विद इन आवर पेरिफेरी, यस वी स्टैंड कमिटेड, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सूरवीर अवार्ड और एम्पल मिशन ने आयोजित किया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि अनिल मुरारका इस तरह के सारे काम बढ़ चढ़ के करते हैं। मेरे दोस्त हैं और आजकल वो समाज सेवा में लगे हुए हैं, और बहुत बड़ी बात है, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, तो दूसरों के काम आते हैं, और ऐसे लोगों को ढूंढना, इकट्ठा करना, उनके टैलेंट को आगे लाना ये एम्पल मिशन कर रहा है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर अनिल मुरारका। और मुझे खुशी है कि ऐसा दोस्त मिला है मुझे, और हमारी दोस्ती करीब 10-15 साल से, तो आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ पे हूँ। जैसे आप जो काम करते हो लोगों को हंसाना, वो भी बहुत बड़ा काम है, वो भी सोशल काम, आपके इस चीज़ को मानते हैं लोगों को हंसाना भी बहुत बड़ी बात है, खुशी लाना भी चाहिए। जी जी जी, ये अभी का मैं वाक्य बताऊँ, पिछले दिनों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि लालू की तो बहुत उड़ाते हो, मुलायम की बहुत उड़ाते हो, मेरी करते हो कि नहीं? तो मैं बोला सर अगर आपकी नहीं करेंगे मिमिक्री या आपके ऊपर मजाक नहीं करेंगे तो हमारा शो कंप्लीट नहीं होता है, अधूरा सा लगता है, और अगर आपकी मिमिक्री नहीं करेंगे तो दूसरे लोग ये भी बोलते हैं क्यों, जो आदमी पावरफुल है उसकी करने में इसलिए सर आपकी भी करनी पड़ती है। बोले क्या? मैं बोले सर मैंने एक दिन पूछा कि तमें गुजराती मानस छो पर इतना सरस हिंदी बोलो छो, तो मोदी जी बोले राजू जी मैंने स्टेशन पे चाय बेची, चाय बेचते बेचते मैं हिंदी सीख गया। हमने सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे मुंबई में लोग दारू पीते पीते अंग्रेजी सीख गए। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ इतना मतलब कि हम मुंबई आए थे तो कुछ नहीं था, काम ढूंढते थे, बेरोजगार थे या टैक्सी चलाते थे, किसी के ऑफिस में काम करते थे, आज खुद मालिक बन के बैठे, तो ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो आपका फ़र्ज़ है कि थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा सा वक्त निकालिए, धन भी निकालिए, और अब लोगों की मदद करें, है ना, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी जिसकी जितनी कैपेसिटी हो ऐसे काम में आगे बढ़िए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है खुद के लिए तो जानवर जीते हैं, जानवर अपना पेट खुद भर लेते हैं, आप जब खाएं तो एक निवाला सामने वाले के लिए भी ऑफर करें,
यही आपसे निवेदन है। अगर आपको ये काम करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा किसको कॉन्टेक्ट करना चाहिए, तो बेस्ट है एम्पल मिशन के अनिल मुरारका से मिले। बाय। इन अवार्ड से बहुत ही प्रभावित हूँ और बहुत सपोर्ट करती हूँ और सल्यूट करती हूँ ऐसे अवार्ड्स को, ऐसे लोगों को जिनको ये अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत ही डिजर्विंग होते हैं, क्योंकि ये असली अवार्डीज होते हैं ज़िंदगी में। हम ज़िंदगी में यू नो अपने गानों के लिए या अपनी एक्टिंग के लिए अवार्ड्स लेते रहते हैं, बट देखिए वो तो हमारे टैलेंट है विच वी आर ब्लेस्ड विद, बट दीज पीपल आर द वंस जो अपने अगेंस्ट ऑल ऑड से लड़ के, अपने हालातों से लड़ के जाके उनकी जो जीत होती है वो इज़ वेरी 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 कमेंडेबल एंड वेरी इंस्पायरिंग। सो शूरवीर अवार्ड्स और भारत प्रेरणा अवार्ड्स जो एम्पल मिशन द्वारा किए गए अवार्ड्स हैं, विच इज़ स्पीयर हेडेड बाय डॉक्टर अनिल मुरारका, जो आई वुड से इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। सो मैं हमेशा आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड बी एसोसिएटेड विद दिस। लास्ट ईयर भी और लास्ट लास्ट ईयर भी मैं इन अवार्ड्स में आई थी, मैंने अवार्ड्स दिए भी, और आज तो मुझे ये जो अवार्ड मिला फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ वेरी हम्बलिंग फॉर मी एक्चुअली। इट्स वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं हमेशा इन अवार्ड्स के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक हमें सोशल कॉजेज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वी शुड गेट आउट ऑफ आर ओन स्किन एंड डू समथिंग अनटू ह्यूमैनिटी एंड गिव इट बैक टू गॉड। तो दिस इज़ वन वे एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल संडे स्पेंड फॉर मी। आज संडे है और इंस्टेड ऑफ जस्ट छुट्टी मनाओ और कुछ ना करो, आई थिंक इट्स दिस इज द बेस्ट वे टू स्पेंड अ संडे। मेरे लिए बहुत ही मीनिंगफुल दिन रहा है आज का, टू बी अ पार्ट ऑफ द शूरवीर एंड भारत प्रेरणा अवार्ड्स। मैं लास्ट ईयर भी इनके प्रोग्राम में आया था और इनके प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस तरह के इंसानों को, मैं इंसान कहूँगा, इस तरह के इंसानों को यहाँ बुलाते हैं जिनके पास गट्स हैं, जिनकी विल एकदम स्ट्रांग है और जिन्होंने कुछ ना होते हुए भी कुछ बनाया है अपने आप को। तो ये एक खूबी है इन अवार्ड्स की, और जेन्युइन लोग जो होने चाहिए ऐसे स्टेज के ऊपर, उनको बुलाया जाता है अपने हिंदुस्तान से। तो ये मुझे सबसे बड़ी खूबी लगती है इस अवार्ड की, और इनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो जिसमें एक तो फिजिकली फिट नहीं है, एक तो वो ऊपर वाले का इनके ऊपर रहता है, दूसरा फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं है, उसमें से अपने आप को स्ट्रांग विल करना, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना कि हम कुछ कर सकते हैं, और इस लेवल का करके दिखाना कि तो आज देश देख रहा हूँ। आज दिल से उनके लिए, मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकल रही हैं कि आपने अपने लिए तो किया ही किया, लेकिन दुनिया के लिए कितना बड़ा एग्जांपल हो आप लोग। तो मुझे इस अवार्ड की सबसे बड़ी खूबी यही लगती है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जिन्होंने हकीकत में अच्छा काम किया है और हम सारी सोसाइटी को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। और उसका इसीलिए मैं आज अपने बेटे राघव ऋषि को भी यहाँ लाया हूँ। इसकी कल फिल्म रिलीज़ हो रही है खुले आसमान की ओर, जिसमें इसने एक पायलट का रोल किया है जो 71 वॉर में क्रैश होते हैं पाकिस्तान में, और उन्हीं की कहानी लिखी हुई है। आज भी तंदुरुस्त हैं, वो पूना में रहते हैं, उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट दलीप पारोलकर, उसका रोल निभाया है इसने। तो मैं चाहता था कि जो कहानी, जब उनसे हम मिले थे, ये भी मिला था, तो बहुत प्रेरित हुआ था, बहुत खुश हुआ था। तो मैं चाहता था कि ऐसे मौके पे ऐसे इंसानों के दर्शन भी इसको करने चाहिए जिन्होंने कहाँ से उठकर सोसाइटी में इतना बड़ा नाम बनाया है। तो यही मेरा था कि तुम मेरे साथ चलो, देखो ऐसे इंसानों जो तुम्हें भी इनकरेज करेंगे ज़िंदगी में। हम क्या नहीं कर सकते, हमें रब ने बहुत कुछ दिया है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे मैं कहूँगा कि ये बताए इसने क्या सीखा। सबसे अच्छी बात है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, और आपको एज एन आउटसाइडर बैठ के देखने मिलता है कि हाउ एवरीबडी कम्स अप विद सॉल्यूशंस, क्योंकि एंड प्रॉब्लम सबके पास है, सॉल्यूशन निकालने का ही मेन इशू होता है। एंड वही मुझे आज सीखने को मिला है, और कितना ये बात कितनी अच्छी है कि ये लोग हंस के सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर लेते हैं। आपकी काफ़ी चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती हैं। सो व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू लाफ, एंड दे आर एज इट इज़, दे हैव सम ऑफ द अदर इशू जो दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय देम, उन लोगों को भगवान से वैसा मिला है, उसके बावजूद उनको ये हमें सीखने को मिलता है कि दे आर स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड हैप्पी अबाउट इट।
एंड वहीं उनकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती जो मुझे आज समझ और सीखने को मिला है। दूसरी बात है, हमने जो मूवी की है द ग्रेट इंडियन एस्केप, खुले आसमान की ओर, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ पायलट हु एस्केप्ड द पाकिस्तान प्रिजन इन 1971, और उसमें और यहाँ पे आज यही सिमिलैरिटी है और यही सेम है कि उसका भी डिटर्मिनेशन था और आज इनका भी डिटर्मिनेशन है जो इनको यहाँ तक लेके आया, ये मंच पर लेके आया। और अनिल जी को मैं सल्यूट करूँगा क्योंकि हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, वो हैं जो इनके बारे में सोच रहे हैं, और आई ब्लेस हिम एंड आई होप दैट ही कंटिन्यूज डूइंग दिस एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरी तरफ से भी बोरारकर जी को, पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अनिल जी बहुत अच्छा काम करते हो और मैं दिल से आपके साथ हूँ, जब भी आप मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी हम लोग आपके साथ में हैं। और खुशी होती है इस तरह का हिस्सा बन के, इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बन के, जहाँ हम भी कुछ घर लेके जाते हैं और वो इंसान जो हमें देख के कुछ उनको लगता होगा लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनसे मैंने कितना कुछ सीखा है, इसने कितना कुछ सीखा है। सो मैं सबसे कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स का ज़रूर हिस्सा बनो। हम बहुत सी ऐसी जगहों पर जाते हैं, ना भी जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आने से बहुत फ़र्क पड़ता है, कुछ हम दे सकते हैं और बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। तो अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे, ऑल द बेस्ट। सो इन लोगों से सबसे बड़ी, ये अवार्ड से सबसे बड़ी सीखने वाली चीज़ यही है कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, और आप हिम्मत से आगे बढ़ोगे तो सारी कायनात आपका साथ देगी, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होगा। और ब्रह्मांड में एक ही भाषा आती है उनको, तथास्तु। तो हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, एंड इट विल वर्क डेफिनेटली। एंड एक्चुअली एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने स्टेज पे भी बोला कि माय हस्बैंड अनिल जी एंड माय नाउ माय सन हैज टेकन ओवर सिद्धांत मुरार का, कि आई टोल्ड देम कि प्लीज कीप इट द गुड वर्क, दे आर डूइंग वेरी गुड थिंग एंड विद द बिजी शेड्यूल, दोनों बहुत ही बिजी है। मेरा बेटा बिजनेस केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, 5 ईयर्स कोर्स है विथ MBA, सो बट ही निकाल रहा है, इस चीज़ के लिए भी समय निकाल रहा है, इससे बहुत प्राउड फील होता है कि एक अच्छे कॉज के लिए साथ में काम कर रहा है। मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट है उन दोनों को कि मैं किसी चीज़ के लिए उन्हें रोकती नहीं हूँ, बस दैट इज़ द आई थिंक बेस्ट सपोर्ट। आई टेल देम कीप डूइंग एंड बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड जो मैंने और घरों में देखा है कि लेडीज़ पूछती है, रोकती है, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये लिया क्यों, आई डोंट इंटरप्ट एट ऑल। एंड स्पेशली माई हस्बैंड, बिकॉज मैंने शादी होते ही देखा, जब मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई, तभी से मैंने उनको देखा, वो अपने कॉलेजेस में डोनेशन देते थे, ट्रॉफीज डोनेट करते थे। तो 2-3 साल बाद मैंने उनसे एक ही बात बोली कि भगवान ने आपको इसी के लिए बनाया है, तो पहले 2 साल मैंने नहीं समझा, फिर मुझे समझ में आने लगा कि ये बहुत दिल से करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं, और ऐसे करते रहें तो करते रहेंगे तो भगवान भी आपके साथ होगा, क्यों नहीं होगा जब आप अच्छा काम कर रहे हैं। और अब मैंने भी मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है मील्स फ्रॉम माँ, उसमें हम लोग हर फ्राइडे 100 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो मेरी सब फ्रेंड्स और सब जुड़ गई हैं और वी आर ऑलरेडी बुक्ड फॉर अ ईयर, सो ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और इसका मेरा मेन एम है कि इंटीरियर्स में आगे आगे बढ़ने का, जहाँ रियल नीडी लोग हैं खाने के। थैंक यू।